कैसे हो आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अविनाश टूरियालू के 11 व्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं बड़ागांव टू थराली। आज की जो ट्रिप रहने वाली है हमारी लगभग 150 किलोमीटर की रहने वाली है। तो अचानक से ख्याल आया क्यों ना आज ब्लॉग बनाते बनाते चलो कोशिश करूँगा आपके लिए एक अच्छा ब्लॉग बना के शेयर करूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। हो सकता मैं आपके लिए उतना इंटरेस्टेड ना बन पाऊँ, फिर भी कोशिश करेंगे। से निकल चुके हैं तो मम्मी भाई और मैं चलते हैं। तो मैंने बताया था आज हम कहीं जाने वाले हैं, तो दरअसल हम अपने पापा के यहाँ जाने वाले हैं। पापा बाहर सर्विस करते हैं, तो फिलहाल हम कुछ दिनों के लिए वहीं रहने वाले हैं। तो सामान इतना ज़्यादा हो चुका है कि बीच के सीट में भी ज़्यादा सामान रखनी पड़ रही है। अल्टो का स्पेस वैसे भी काफ़ी कम होता है और सामान रखने की काफ़ी परेशानी हो जाती है। इसके बाद निकलते हैं, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, शायद 12 बजने वाली है। तो 12 बजे तो अब हम जोशीमठ है और जाना थराली है। लगभग मैंने आपको बताया 150 किलोमीटर का रास्ता रहने वाला है आज का, फिर भी टाइमली तो पहुँच ही जाएंगे वैसे तो। मिलते हैं दोस्तों आगे। तो मम्मी सामान लेके आ चुके हैं शायद, तो मम्मी तो गाड़ी में बैठ चुके हैं, काफ़ी लंबा जाम लग चुका है। यहाँ पे बंदर इतने शरारती थे, एक तो गाड़ी के आगे से ऊपर ही चढ़ गया था। हमारे पास जितना खाने के लिए था उतना तो हमने इन्हें दे ही दिया था, फिर भी काफी आगे तक गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे थे। जाम लग चुका है, ये देख सकते हैं आप, शायद चट्टान तोड़ रहे हैं आगे से, इसलिए यहाँ पे जाम लगवाया हुआ है। और टाइम हो चुका है 1:40, अभी हम चमोली नहीं पहुँच पाए, तो शायद थराली पहुँचने में तो टाइम तो लग ही जाएगा। तो यहाँ पर एक एम्बुलेंस पहुँच चुकी थी, तो इन्हें रास्ता खोलना पड़ा, वरना पता नहीं कब तक फंसाए रखते हैं। टाइम भी बहुत हो चुका है, तो भूख भी लगने लगी है। अब खाना सिर्फ चमोली की बात देखी थी, क्योंकि चमोली से कर्पलाग तक मेरे अंदाज से रास्ता क्लियर होगा, क्योंकि परसों बीच में आया था। तो वहाँ फिलहाल रास्ते में कोई काम तो चल नहीं रहा, इसलिए हम खाना चमोली से आए। दोस्तों अभी हम चमोली पहुंच चुके हैं,
ज्यादा हो चुका है तो फिर हो सकता है थराली पहुंचते पहुंचते मुझे रात हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पे रुक लिए 5-10 मिनट, तो अब चलते हैं। टाइम भी बहुत हो चुका है, टाइम हो चुके हैं 4:30 और यहाँ से अब थराली का सफ़र लगभग 50 किलोमीटर का और बचा हुआ है, तो टाइम पे निकलते हैं यहाँ से। फाइनली दोस्तों हम कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं, तो हम लेफ्ट साइड निकलेंगे। देख रहे होंगे ये जो राइड को जा रहा है, ये हमारा नैनीताल के लिए। अभी हमें फिलहाल नैनीताल तो जाना है नहीं, तो हम लेफ्ट वाले रास्ते पे निकल जाते हैं। वैसे नैनीताल अल्मोड़ा हम ये थराली वाले रूट से भी होके जा सकते हैं, पर यहाँ से थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए ये आप देख रहे होंगे बोर्ड पर अल्मोड़ा 149, कौसानी 99, गोल्दम 62। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल थोड़ा यहाँ पे रुके हुए हैं, और मैंने कहा आपको थोड़ा यहाँ का व्यू भी बता दूंगा। तो ये देख रहे होंगे यहाँ से अभी थराली लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ है। ये जो देख रहे होंगे ये पिंडर नदी कुमाऊँ से होके आती है। चलते हैं अपने कमरे पे। दोस्तों हम कमरे पे पहुंच चुके हैं, हमने खाना खा लिया है, तो अब मैं आराम कर रहा हूँ। तो खाना पापा ने बना के रखा था। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और जल्द से जल्द आपके लिए नया ब्लॉग लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।